हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट नाम का चैप्टर शुरू करेंगे। लाइट में हमें क्या देखना है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेट्स सी यार, लाइट, एज वी नो लाइट इज देयर। लाइट नहीं होता तो मैं आपको नहीं दिखता, आप मुझे नहीं दिखते। लेट्स सी इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, मीन्स विजिबिलिटी। आवर विजिबिलिटी इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। तो लाइट में हमें क्या देखना है एग्जैक्टली, इस टॉपिक में एग्जैक्टली क्या देखना है? लाइक देयर इज अ इनिशियली हमें देखना है रिफ्लेक्शन क्या होता है। All the concepts of reflection, the light is incident on a surface, so it's getting reflected, it's enters in our eyes, हमारे आँख में चली जाती हो, so हमें वो object का थोड़ा सा अंदाज बन जाता है कि इस type में object का size है, shape है। Let's see the next concept is the refraction। Refraction में हमें क्या देखना है? Light का refraction किस type में होता है? One medium से other medium में किस type में light deviate हो जाती है, अपने path से कैसे भटकती है, वो भी हमें detail में देखना है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा। थर्ड कॉन्सेप्ट है बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें देखना है कि मिरर का फंक्शनिंग कैसा होता है। एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप्स के मिरर होते हैं, लाइक अ प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आजू बाजू में हमारे बहुत सारे मिरर्स के एप्लीकेशन हम देखते हैं डे बाय डे, दैट्स दे आर। सो हमें डिटेल में देखने हैं हाउ दिस वर्क्स एग्जैक्टली। नाउ फोर्थ इज द पार्ट ऑफ बेस्ड अपॉन द रिफ्रैक्शन, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंस। सो लेंस किस टाइप में होते हैं, कौन कौन से टाइप है लेंस के, कहाँ पे यूजेस होते हैं लेंसेस के, इमेज फॉर्मेशन किस टाइप में होता है, सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द फोकल लेंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, हिडन कॉन्सेप्ट्स आल्सो हमें यहाँ पे देखने हैं। लेंस के कहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं, कमर्शियल में, हमारे इंडस्ट्रियल में, कहाँ कहाँ के, कहाँ कहाँ पे लेंसेस यूज किए जाते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन अबाउट द लाइट। एज वी नो लाइट, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर। हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये शुरू में हमें पता था ऐसी। बेसिकली हमने अगर इसकी हिस्ट्री देख ली ना पास्ट में कि किस टाइप में इसका इन्वेंशन हुआ, लाइट एग्जैक्टली वेव है, लाइट एग्जैक्टली पार्टिकल है, या लाइट का ड्यूअल नेचर है, इसका भी बाद में हमें स्टडी है। बट इनिशियली हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये हमें मानेंगे। लेट्स एज्यूम लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर। सो बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव रिफ्लेक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? आसपास हमारे ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्या होता है, लाइट वो चीज पे पड़ती है, बाद में रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में एंटर करती है। सो उसके बाद ही वो साइज शेप वो ऑब्जेक्ट का हमें समझ में आता है। इस टाइप का लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। एवरीथिंग नियर यू, अबाउट एवरीथिंग, ये हमें रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के द्वारा ही समझ में आता है। सो लेट्स सी क्या होता है एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन। हमें ऐसे ही मिरर कंसिडर करना है। लेट्स सी, हेयर इज द मिरर, एक मिरर हमने मान लिया। हेयर इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ओके, मिरर होता है तो ये साइड से क्या होता है, उसको कोटिंग होता है। लेट्स एज्यूम हेयर इज द कोटिंग, वन साइडेड कोटिंग होता है इस टाइप में। सो दिस इज द इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर एट अ पर्टिकुलर एंगल, एट अ गिवन एंगल। लेट्स एज्यूम द एंगल इज समथिंग लाइक दिस। हेयर इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इनिशियली इट्स फॉलिंग ऑन द गिवन सर्फेस ऑफ द मिरर, ये इंसिडेंट रे है हमारे लिए। ओके, डन। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे एग्जैक्टली लाइट गिरता है ना, टच करता है एकदम इनिशियली ऑन दिस प्लेन मिरर, दैट्स कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, ऐसे हमने मान लिया। चलो इसके बाद रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है एग्जैक्टली। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिलने के बाद हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है फॉर आवर सिंप्लिसिटी है। हेयर इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल किसके लिए, ये नॉर्मल ये प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल है। ये इट्स मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन मिरर। ओके, यानी ये एंगल जो होता है हमें समझ के लेना होता है। ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट्स हैव हियर सम राइटिंग्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, हमें पता है ये लाइट तो आर पार नहीं जाने वाली, एब्जॉर्ब भी नहीं होने वाली सरफेस में, बिकॉज इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं है, मिरर है हमारा रोज का। सो इसके बाद क्या होगा, सो लाइट विल ट्रैवल लाइकवाइज, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है लाइट। क्या एंगल बना है इसने, एंगल इज मेकिंग सम आर, आर इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है एग्जैक्टली? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये होने वाला है अपना फर्स्ट स्टेटमेंट. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम ही होने वाले हैं, दोनों सेम ही होते हैं. ये क्या है एग्जैक्टली? नॉर्मल. लेट्स हैव सम नॉमेनक्लेचर यार. नॉमेनक्लेचर इसको नाम देंगे अपन. क्या नाम देने वाले? इंसिडेंट रे. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारे लिए, रिफ्लेक्टेड रे है. हियर इज द नॉर्मल. एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक फॉर यू. बाद में क्या है इसका सेकंड स्टेटमेंट इस टाइप में होता है. स्टेटमेंट से समझना ही हमें एग्जैक्टली व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एवरीथिंग इज देयर इन द स्टेटमेंट्स. नॉर्मल के लेफ्ट साइड को इंसिडेंट रे होता है तो नॉर्मल के राइट साइड को रिफ्लेक्टेड रे होना ही चाहिए, होता ही होता है. मीन्स द हाउ टू स्टेट दिस. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉर्मल इज अ इंसिडेंट रे एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द नॉर्मल हैज टू बी द रिफ्लेक्टेड रे. दैट्स द आर. मीन्स नॉर्मल के राइट साइड के राइट साइड को राइट एंड लेफ्ट क्या होता है? राइट को क्या होगा एग्जैक्टली? राइट को हमारा होने वाला है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होता है. ओके. एंड लेफ्ट को क्या होता है? लेफ्ट को होगा हमारा इंसिडेंट रे. लेट्स सी हियर. इंसिडेंट रे आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल इज द इंसिडेंट एंड द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल हैज टू बी रिफ्लेक्टेड रे. लाइक वाइज ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है. लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट. व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का थर्ड स्टेटमेंट है, हमें पता है कि अलग अलग प्लेन्स होते हैं. एग्जैक्टली प्लेन्स पता ना आपको? एग्जैक्टली पता होना चाहिए. कितने एक्सेस होते हैं टोटल्स? टोटल देयर आर थ्री एक्सिस. कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. थ्री एक्सिस है हमारे पास. दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो तीनों एक्सिस मिला के कितने प्लेन प्रिपेयर करें यहाँ पे? थ्री प्लेन्स. कौन से प्लेन्स है एग्जैक्टली वो? सो प्लेन मीन्स यू मस्ट नो. प्लेन मीन्स दैट इज अ 2D. लाइक यू अ पेज ऑफ नोटबुक इज अ प्लेन एंड द कंप्लीट नोटबुक स्टैंड्स फॉर द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. देर आर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, देर आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मेजरली वी क्लासीफाई. सो वॉट इज द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट विच हैज द लेंथ एंड द ब्रेथ इज कॉल्ड एज द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. वॉट इज द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? दोज हैज द थ्री डायमेंशंस. लाइक आई हैव द रिमोट हियर. हियर इज द थ्री डायमेंशंस. लेंथ है, थिकनेस भी काफ़ी ठीक है और विड्थ भी है, ब्रेथ भी है. सो दिस इज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज द थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो यहाँ पे प्लेन्स कितने हो गए? दो प्लेन्स. कौन से? एक्स वाई प्लेन, दैट इज द फर्स्ट प्लेन, एक्स वाई प्लेन. द सेकंड प्लेन इज समथिंग लाइक दिस. सेकंड प्लेन क्या होगा? दिस इज द वाई एंड दिस इज जेड. सो इट्स कॉल्ड एज द जेड वाई प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड एज द अदर थर्ड प्लेन कॉल्ड एज द एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन है. सो हमारे पास तीन प्लेन्स है. सो मेरा कॉन्सेप्ट इस टाइप में है. यहाँ पे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री प्लेन्स और ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन. ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन. यही प्लेन में इंसिडेंट रे जिस प्लेन में होगा वही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होने वाला है और वही प्लेन में उसी प्लेन में नॉर्मल होता है जनरली. दिस इज आवर कंप्लीट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई मे से. सो प्लेन इज सेम प्लेन. आई विल राइट हियर एज द सेम प्लेन. फॉर किन के लिए प्लेन सेम होगा? प्लेन किन के लिए सेम होने वाला है? तीनों के लिए. कौन तीन है यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड रे है एकदम इनिशियली गिरने वाला इंसिडेंट रे है एंड दोनों के बीच में कौन होगा? नॉर्मल होगा. तीनों के लिए प्लेन सेम ही होने वाला है. सो लेट्स रिवाइज वंस. सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर रे गिरने के बाद वो उसी मीडियम में चला जाता है. उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आता है वो उसी मीडियम में चला जाता है. इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम मीडियम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम. ओके. ये तो मैंने थोड़ा बहुत बात कर दिया इसका. नॉर्मल के लेफ्ट साइड को मान लो इंसिडेंट है तो नॉर्मल के राइट साइड को हमेशा रिफ्लेक्टेड रे होता ही होता है. थर्ड क्या है इसका स्टेटमेंट? सेम प्लेन में लाइज करते हो. एग्जैक्टली मैंने शुरू में ही इसका बात करा था लेकिन फिर भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. मान लो दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड. ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन.
अगेन देर इज अ वन स्मॉल स्नेल्स लॉ इज देयर. स्नेल्स लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल बट नॉट हियर. वी विल डिस्कस स्नेल्स लॉ इन द नेक्स्ट टॉपिक. आई मीन स्नेल्स लॉ इज प्रिफरेबली एप्लीकेबल व्हेन देयर आर द टू मीडियम्स. ओके, हियर स्नेल्स लॉ डजंट होल्ड गुड. इट्स ये काम के लिए नहीं होता स्नेल्स लॉ जनरली. तो हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. लेट्स हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है, कहाँ पे देखते हैं हम रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन इज अराउंड अस एवरी टाइम यू विल ऑब्जर्व. लेट्स सी व्हाट इज द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट समझने के लिए हमें दो टाइप के मीडियम का स्टडी होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी होना चाहिए. लेट्स सी, हियर इज अ वन मीडियम कॉल्ड एज द ग्लास. ये ग्लास है. ग्लास हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है. दिस इज वन टाइप ऑफ मीडियम. एक मीडियम है, हमने एज्यूम कर लिया दैट इज द ग्लास. दिस इज द एयर, मीन्स दिस इज वन मीडियम फॉर अस. ए मीडियम कौन सा है हमारे लिए, ए मीडियम है वन. हमें क्या बोलना है इसको, एयर. एयर मीडियम हमें कंसिडर करना है. दिस इज द मीडियम टू. हियर इज अ मीडियम टू फॉर अस. ए मीडियम टू है हमारा, सेकेंड मीडियम है. उसी टाइप में लाइट को हमें यहाँ पे गिराना है. इंसिडेंट, लेट्स हैव द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मीडियम टू. मीडियम टू पे ऊपर लाइट को हमने डाल दिया. दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे. अभी हमने बात करी थी ना इंसिडेंट रे, क्या बात करी थी यहाँ पे. इंसिडेंट रे होता है इनिशियली गिरने वाला, जहाँ पे ये गिरता है एग्जैक्टली टच होता है एकदम मीडियम टू को, दैट्स कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसी को हमें नाम देना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है और नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हमें एंगल्स कंसिडर करने होते हैं. लेट्स सी द नॉर्मल इज लाइक दिस. ये नॉर्मल किसी के लिए होता है, ये सरफेस के लिए होता है, ये मीडियम के लिए होता है. ठीक है, डन. उसके बाद लाइट को एक्चुअली जाना था ऐसी, क्योंकि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है ना. लाइट तो एकदम सीधा सीधा ट्रैवल करता है, हम ऐसा मान रहे हैं एकदम शुरू में. उसी के ऊपर तो ये दो लॉज है हमारे चल रहे. तो लाइट को ऐसी जाना था एक्चुअली. लाइट ऐसा जाता है क्या, कभी देखा आपने, ग्लास हो इतना बड़ा काफ़ी थिकनेस वाला, नहीं तो वाटर है जस्ट लाइक अदर मीडियम. लाइट ऐसा जाने वाला देखेगा आपको, कभी नहीं देखेगा एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या होता है, लाइट का डेविएशन आ जाता है इस टाइप में. मीन्स लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा बेंड होके चलता है लाइट ये मीडियम में. ये मीडियम में चला, चलो यहाँ पे एंगल कौन सा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. यहाँ पे एंगल कौन सा होने वाला है फिर, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. थोड़ा नाम अलग है यहाँ पे, एज यूजुअल आई नो चेंज. दैट्स कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट बोलो, इंसिडेंस बोलो. इंसिडेंट इज ओके, इंसिडेंट इज ओके. ओके, हमें चेंज करना चाहिए. आर इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ वॉट, रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे लिए. ओके, डन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर नॉट इक्वल. ये दोनों सेम नहीं होने वाले यहाँ पे. चलो ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अलग है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एंगल अलग है. सो यह रिफ्रैक्शन एंगल इज स्मॉलर, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज हेयर इज द अदर मीडियम, हेयर इज द अदर मीडियम. ये मीडियम वन है, मीडियम टू है. मीडियम वन से मीडियम टू में जब लाइट एंटर करती है, लेकिन कौन सा मीडियम है, मीडियम वन. मीडियम वन इज कॉल्ड एज द रेयरर मीडियम. मीडियम वन, हेयर इज द एयर, इज रेयरर मीडियम. इट इज द रेयरर मीडियम. एंड मीडियम टू हेयर, एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर एज अ ग्लास और वॉटर. ये कौन सा मीडियम है, दिस इज अ डेंसर मीडियम. ये हमारे लिए डेंसर मीडियम है. क्यों, रेयरर मीडियम का डेफिनेशन और डेंसर का क्या डेफिनेशन होता है. रेयरर का मतलब ये होता है, एक्चुअली रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है. रेयरर का मीनिंग क्या होता है, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एज कम्पेयर टू अदर मीडियम. जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसी को हमें रेयरर मीडियम कहना है. डेंसर मीडियम किसे बोलना है हमें एग्जैक्टली, तो डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू अदर मीडियम कम होता है. रिलेटिव टू अदर मीडियम मीन्स रिलेटिव टू ये करस्पॉन्डिंग मीडियम. कौन सा मीडियम, उसके ऊपर एयर है, उसके करस्पॉन्डिंगली इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो हमें इसको डेंसर मीडियम करना है, बोलना है. ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी एक्चुअली, रिलेटिव वन के रिस्पेक्ट में अदर, अदर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, इस टाइप में. आपको बाद में थोड़ा डिटेल में इसका मैं डिटेलिंग दूंगा कि एग्जैक्टली ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी कैसे बनती है. यहाँ पे तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होगी और ये डेंसर मीडियम में कम होगी, लाइक अ ग्लास एंड वाटर. सो इट बेस्ड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कंपेयर टू अदर एंड हियर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर.
कंपेयर टू अदर, ऑफ लाइट इज मोर, मोर लेस, लेस लिख दिया, लेस नहीं होता भाई, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, लेस इस टाइप में, ओके ये हमारा कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर दिस वन, लाइट को जाना था एक्चुअली ऐसा, दिस इज द प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लेकिन लाइट बेंड करके गई अंदर से, ओके डन. क्या एग्जैक्टली लॉ क्या होता है, दिस इज आवर नॉर्मल, यहाँ पे लॉ यही बनने वाला है कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द, लाइट बेंड्स बेंड्स टूवर्ड्स 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 द नॉर्मल, नॉर्मल के नज़दीक से गई वो लाइट, ठीक है. When when light enters from the rarer to the denser medium, when light enters from the rarer to denser medium, rarer to denser medium, okay done. इसके opposite में कब होने वाला है, जब light denser to rarer medium entry करने वाली है, like here, let's see here, this is the refracted ray, let's assume, neglect this part for a moment, this is the इंसिडेंट रे फॉर अस, दिस इज इंसिडेंट रे फॉर अस, दिस इज वन मीडियम फॉर अस. लाइट को सीधा सीधा जाना एग्जैक्टली ऐसी, लाइट इस टाइप में ट्रैवल नहीं करेंगे बाहर, क्यों, ये डेंसर मीडियम से लाइट ट्रैवल करने के बाद रेयरर में घुस रही है ना, रेयरर में एंट्री करी ना लाइट, तो कैसा किस टाइप में चलेगा ये, किस टाइप में होगा ये कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली नॉर्मल ड्रॉ करना है, लेट्स हैव द नॉर्मल लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर अस, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज यूर रेफरेंस प्लेन. इसके बाद लाइट जब एग्जिट करने वाली है, तो एग्जिट करते टाइम लाइट नॉर्मल के थोड़ा दूर से भागेगी इस टाइप में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, बेंड अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस स्टेटमेंट हैज़ टू बी देयर, द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम, बट लाइट लाइट गोज अवे 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 फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन, कब होगा ऐसा, when it enters from denser medium to denser to rarer medium, rarer medium, इस type में बनने वाला है ये concept अपना. So this is that concept, this is a first statement, like a first statement refraction का. Second क्या बनने वाला है statement यहाँ पे, something like this, यहाँ पे जैसे previously मैंने बात करी थी कि normal के left side को incident होगा तो normal के right side को refracted होने वाला है, same चीज़ यहाँ पे है, same concept यहाँ पे है, normal either side होगा ना वो, नॉर्मल के आइदर साइड, अगर लेफ्ट साइड आइदर साइड इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट होने वाला है, तो देन देन राइट साइड अदर साइड अदर साइड अदर साइड होगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे होता ही होता है. नेक्स्ट थर्ड वन लाइकवाइज, ये तीनों के तीनों ही रेज एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे हमेशा तीनों के तीनों एक ही प्लेन में बनने वाले हैं, लाइक दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में होने वाले हैं. थर्ड आई कैन राइट सेम प्लेन, किन के लिए सेम प्लेन, सेम प्लेन बनेगा, सेम प्लेन, दिस इज फॉर द इंसिडेंट रे, दिस इज फॉर द नॉर्मल एंड दिस इज फॉर द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, लेट्स हैव सम एब्रीवेशंस फॉर देम, एब्रीवेशंस मैंने लिख दिए यहाँ पे. सो इस टाइप में होता है. यहाँ पे और एक लॉ है एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ. Snell's law is also applicable, also valid, but in upcoming lectures we will see what is the Snell's law. Refractive index क्या होता है, exactly light ऐसे bend क्यों करती, क्यों भागते हैं normal से, क्यों नज़दीक आती कभी कभार. तो ये सब कुछ हमें देखना है और इसके काफ़ी सारे applications हैं हमारे लिए, काफ़ी सारे applications हैं. So let's revise once, there are the two mediums, like a medium number one, medium number two. Medium one is the rarer medium, medium two is the denser medium. कौन सा है यहाँ पे रेयरर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होने वाली है डेंसर में. जब लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम, इट्स फॉलिंग ऑन द सम डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन इट लीव्स दिस मीडियम मीन्स डेंसर टू रेयरर, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा भागेगी वो, दूर जाएंगी. सो इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए. नेक्स्ट ऑल द थ्री प्लेन्स, ऑल द थ्री रेज लाइज इन द सेम प्लेन, लाइक अ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड. अल्सो हमने बात करी थी कि आइदर साइड ऑफ द इंसिडेंट होगा तो अदर साइड रिफ्रैक्टेड होना ही चाहिए, होता ही होता है, लाइक अ प्रीवियस कॉन्सेप्ट. सो दिस वॉज सम रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन. थैंक यू स्टूडेंट्स, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास.